मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ यहाँ क्यों नहीं आए वो है? उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था उन्हें, हमें पता नहीं। हमसे जी कही थी कि आपके घर पे आ रहे हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि ना आना चाहिए उनको। हम दूसरे घर पे, हमारे घर पे मौत नहीं हुई क्या? हम दूसरे घर पे क्यों जाएं? हाँ, आना चाहते थे, क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हम यही तो पूछना चाहते हैं कि जब मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ यहाँ क्यों नहीं आए वो? उनको तो जब हमको, हम सुबह से पता थी कि सुबह यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्यों नहीं आए थे हमारे घर पे? हम यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए हमारे घर पर है? उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था उनको, तो आना चाहिए यहाँ पे। हम बैठ बैठे इंतजार करने के, जहाँ आएंगे आएंगे, राहुल गांधी आए नहीं थे, यहाँ क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते कि हमारे घर पे आए वो, तो जब ही तो हम उनसे कुछ कहेंगे। जब वो नहीं आए तो बताओ हम किन से कुछ क्या कहें हम है? जब वो आएंगे जब ही तो उनसे कुछ कहेंगे हम है? तो लता जी, आप क्या बात करना चाहते थे उनसे? हम कुछ भी कहें या पे दिल की कहें या कुछ भी कहें या है? हम कुछ भी बात कहें उनसे, हम जब आएंगे जब ही सो कहेंगे हम उनसे। जब आए नहीं तो हम कहें क्या, किन से कहें हम है? ऐसी अगर जी हो कि अगर ऐसे मुआवजा मिलता रहे, ऐसे घर पे आदमी जाते रहे, तो मुआवजे का क्या होगा? जब आदमी चले जाएंगे तो ऐसे लाख दो लाख और उठ जाते, मगर हमारी माता तो बची रहती है, तो ऐसे मुआवजे का पैसे का क्या होगा ऐसे का है? ऐसे इंसान घर से जाते रहे, मुआवजा मिलता रहे, तो ऐसे तो यही चाहते रहेंगे कि मुआवजा लेते रहेंगे। इंसान जब घर से जाए तो मुआवजे का बरतने वाला होगा कौन? उसका कौन बरतेगा उस मुआवजा को? परिवार के कुछ लोग वहाँ बुलाए थे, हाँ, उन्हें हमें पता नहीं। हमसे जी कही थी कि आपके घर पे आ रहे हैं, हमको जब हमको बुलाते तो हम जाते वहाँ पर, और फिर मौत तो हमारे घर पे भी हुई है ना। हमारी माताजी जवान जमान थी, कोई बड़ी बूढ़ी तो थी नहीं, जवान जमान थी, हमारी माताजी खत्म हुई है, तो उन्हें जहाँ पे आना चाहिए ना, आना चाहिए था है? जब वो आती तो जब भी तो हम उनसे कुछ कहते हैं, हमें वहाँ बुलाते थे वो, क्या उनकी उनकी बेटी है, बेटा है, उनके पति है, कौन है? हमको तो पता नहीं कि कहाँ आए, किधर आए, किधर चले गए, हमको नहीं पता कुछ भी। हमें तो ये पता थी कि घर पे आ रहे हैं वो, मर हमार हमें नहीं पता कुछ भी। हाँ जी, भाई है, जी भाई है, जी मेरे चाचा हैं, सब जहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं उनका कि जहाँ आएंगे जी मेरे पिताजी हैं। लेकिन आपके है? बता रहे हैं कि वो मिल के आए हैं। जो एक भाई है वही तो मिल के आए होंगे, एक भाई, मगर और दो भाई तो मेरे जी हैं, मेरे पिताजी जी हैं, मेरे पिताजी बड़े बूढ़े हैं, इनको दिखता भी नहीं है बिल्कुल, तो उनको जहाँ आना चाहिए ना, आना चाहिए था यहाँ पे उनको है? तो हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ आना चाहिए उनको। हम दूसरे घर पे, हमारे घर पे मौत नहीं हुई क्या? हम दूसरे घर पे क्यों जाएं? अगर जी होता कि हमारे घर पे मौत नहीं हुई, हमने अपने माता जी अपने घर में मान ली हमने, तो जे हम भागे दौड़े क्यों जाए हम किसी के घर पे? हम तो नहीं जाना चाहते किसी के घर पे। वो हमारे साथ गई थी मम्मी, आपके साथ जी। तो कैसे वो हादसा हो गया, कैसे? जैसे कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब वो समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई, भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही, बाद में पता चला भगदड़ मच गई तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे थे, ढूंढने लगे। थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी बिलखना, एम्बुलेंस में ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में, तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। अच्छा ये होता है, राहुल गांधी ने आज आपके घर आना था, आपके परिवार वालों से मिलना था, लेकिन वो आपके घर नहीं आए? नहीं, बुला लिए थे वहाँ पे। भाई कौन गया था? मेरे भाई गए थे और पिताजी गए थे। के भाई और पिताजी गए, दूसरे के घर में चले गए जी, उन्होंने वही बुलाया था। अच्छा, तो राहुल गांधी से क्या कुछ मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने हालचाल जाना, बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा। तो क्या मुआवजा देने की बात भी कही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कुछ नहीं, इस मामले में कुछ बात नहीं, सिर्फ हालचाल जाना। हालचाल जाना और कह रहे जो भी हमारे हमसे हो सकेगा वो हर सब मदद करेंगे तुम्हारी जैसा भी होगा। तो आपने कुछ मदद मांगी उनसे कि हमें किस तरीके से मदद की? हमने ये बोला था जैसे कि अब ये घटना हुई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो, हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाइए आप। ठीक है, राहुल जी आए थे, उन्होंने हमसे बोला था और हमारा हालचाल जाना, उन्होंने परेशानी पूछी कि कैसे घटना हुई, किस तरीके से, कौन जिम्मेदार है और आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, हमने जो राहुल जी को बोला था, मैंने कहा सर आप पहले तो आप जो आए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, इस दुखी घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। तो बोल रहे कि आप मुझे बताइए और मैं आपका मुद्दा जो है संसद में जरूर उठाऊंगा। तो इसमें जो है राहुल गांधी जो है सहायता के लिए बोल रहे हैं,
गवर्नमेंट से भी और अपनी तरफ से भी कह रहे थे कि जो भी होगा कराएंगे, वो नहीं आए। हाँ वो बिल्कुल आना चाहिए था। हाँ तो इसका जो राहुल जी को भी थोड़ा सोचना चाहिए था, और जो भी उनके जो गार्ड वगैरह हैं उन्होंने हमसे बोला था कि राहुल जी आपके घर नहीं आएंगे, तो वो जो हमको फिर वहीं पे जाना पड़ा था। तो इस वजह से हमारी महिला नहीं जा सकती, वही निकल नहीं सकते मौत के बाद घर से।